हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए पिकनोमीटर मेथड जो है उससे हम लोग कैसे वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और पिकनोमीटर से जो हम वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं, जो फार्मूला है और इससे संबंधित जो भी है, इस पे जो है क्वेश्चन भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखो, पिकनोमीटर द्वारा जो है हम लोग ऐसी सॉइल का वाटर कंटेंट ज्ञात करेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पहले से पता हो, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है नोट करने वाली है कि हमें ऐसी सॉइल चाहिए जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता हो, ठीक। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इस मेथड में जो है कोर्स ग्रेंड सॉइल जो है यूज करेंगे, ठीक है। ये पिकनोमीटर मेथड जो है कोर्स ग्रेंड सॉइल के लिए क्या है, उपयुक्त है। कोर्स मतलब होता है, देखो, फाइन मतलब होता है सूक्ष्म या कहें कि महीन, और कोर्स मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो पिकनोमीटर मेथड जो है मोटे कणों वाली अगर सॉइल है तो उसके लिए क्या है, सही है। तो मोटे कणों वाली सॉइल कौन सी है, तो सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये सब मोटे कण वाली सॉइल के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। या ऐसी सॉइल जिनके कण क्या है, मोटे हैं, तो उनका हम लोग यूज करेंगे, ठीक। ये दूसरा पॉइंट जो है नोट करने वाला है। फाइन ग्रेन कणों वाली सॉइल को क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर सॉइल जो है सूक्ष्म रहेगी तो उनके कणों के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और जैसे कि मान लो सूक्ष्म है, सॉइल के पार्टिकल सूक्ष्म है, उनके बीच में क्या है कि आकर्षण बल लगा हुआ है, कोहेसिव फोर्स है, तो वो जो है फ्लोप का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। और उनके बीच में जो एयर रहेगी वो एयर फंसी की फंसी ही रह जाएगी, तो इससे हमें एक्यूरेट जो वाटर कंटेंट है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसका यूज नहीं हम लोग करते, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, पिकनोमीटर क्या है। पिकनोमीटर एक जो है बोतल होता है जिसका वॉल्यूम जो है 900 ml होता है, मिली लीटर, ठीक है ना। तो पिकनोमीटर कुछ नहीं है, एक बोतल है सिंपल सा जिसका वॉल्यूम 900 ml होता है। और क्या होता है, इसके ऊपर जो है कोनिकल ब्रास कैप लगी होती है, जिसमें जिसके ऊपर जो है स्मॉल होल बना होता है और जिसका डायमीटर जो है 6 mm होता है। तो कोनिकल का मतलब शंकु आकार का, ब्रास मतलब का पीतल का, और कैप, तो अब कैप जान ही रहे हो कि जो बोतल है उसको ढकने के लिए क्या चाहिए, कैप चाहिए, है ना। तो वो चीज हो गया। और इसके ऊपर जो है स्मॉल होल होता है जिसका डायमीटर कितना होता है, 6 mm होता है। तो चलो आओ देखते हैं हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। तो जो सॉइल है हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या है, पता है, ठीक है, और वो कोर्स ग्रेन वाली सॉइल है। अब हमारे पास क्या है, केवल जो है सॉइल का सैंपल है, ठीक है, और पिकनोमीटर है, ठीक। तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक खाली पिकनोमीटर लेंगे, ठीक है, और इस खाली पिकनोमीटर का जो वेट है वो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये खाली पिकनोमीटर का वेट जो है, ये जो डाया है ये 6 mm का है, ठीक है ना, और ये क्या है, पिकनोमीटर है। यहाँ पे लिख देता हूं PICNOMETER, तो ये पिकनोमीटर है और ये बॉटल है, इसका डाया कितना है, 6 mm है, और यार मुंह में मच्छर चला गया था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये खाली पिकनोमीटर है और इसका वेट जो है W1 है, ये हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक। अब देखो हम एक और जो दूसरा पिकनोमीटर है या इसी में क्या करेंगे, K
कि इस वाले में क्या करेंगे हम लोग कि सॉइल सैंपल जो है भरेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि इसमें जो है सॉइल सैंपल जो है यहाँ पर भर दिया, ठीक। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए इसका मैं अब फेज डायग्राम बनाऊंगा। इसमें जो है हमने सॉइल सैंपल भरा है, हम जो सॉइल सैंपल लेंगे वो कुछ ऐसा होगा, है ना। अब यहां से ध्यान से रखना भैया, नहीं तो इसमें और स्पेसिफिक ग्रेविटी में फंस जाओगे। तो ये सॉइल सैंपल है, इसको हमने पिक्नोमीटर में डाल दिया, तो इस सॉइल का जो फेज डायग्राम बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, फेज डायग्राम, ठीक। तो ये नीचे क्या है, सॉइल सॉलिड है, और ये क्या है, वाटर है, ठीक। तो इसी सॉइल सैंपल का जो फेज डायग्राम है मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये नीचे जो है सॉइल सॉलिड हो गए, और ये क्या हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसका जो है हम वेट ज्ञात कर लेंगे, और वो है W2, ठीक। इतनी चीज समझ में आ रही है। अब देखो, अब फिर क्या करेंगे कि इसको जो है वाटर से पूरी तरीके से क्या करेंगे, भर देंगे। देखो इतना जो है क्या था हमारा सॉइल सैंपल है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो ये इतना है, इतना क्या है, फिर से ये सॉइल सैंपल ही है, इसको भैया ध्यान में रखना, बोलना नहीं, ठीक है। अब इसी के ऊपर देखो ये सॉइल सैंपल है, इसका वेट हमने W2 ज्ञात कर लिया है। अब इसी में क्या करेंगे कि इस लेवल तक जो है पूरा वाटर से फिल कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या, हमने क्या किया कि यहां तक जो है पूरा वाटर से फिल कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो वाटर है ये इस सॉइल में वाटर था, ठीक है ना। तो अब इसका वेट जो है सैंपल और वाटर सहित जो इसका वेट है वो W3 हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो एक लास्ट वाला जो पिक्नोमीटर है, इसमें क्या है कि इसे हमने पूरी तरीके से वाटर से फिल किया हुआ है, ठीक है, और इसका वेट क्या है, W4 है। तो ये जो है अरेंजमेंट है, खाली पिक्नोमीटर का वेट W1, पिक्नोमीटर और सॉइल सैंपल सहित वेट W2, सॉइल सैंपल पिक्नोमीटर प्लस इसमें जो इतना एडेड वाटर है इसका वेट W3, और वाटर और इसके बाद से पिक्नोमीटर का वेट W4 है, ठीक है। अब देखो हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए चाहिए वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर, जो वाटर है उसका वेट कितना है, और उसके बाद चाहिए हमें वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मृदा के कणों का जो वेट है वो चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें वाटर चाहिए ना, तो वेट ऑफ वाटर जो है देखो हमें यहां से निकल जाएगा। अब देखो मान लेते हैं हम लोग कहां पे लिखें, चलो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना ये कि माना मृदा के कणों का वेट जो है WS है, ठीक है। तो देखो हमें वेट ऑफ वाटर चाहिए, वेट ऑफ वाटर चाहिए, और वाटर किसमें, किसका वेट, जो सॉइल सैंपल में वाटर है उसी का वेट हमें चाहिए ना, तभी तो हम लोग वाटर कंटेंट याद करेंगे। तो देखो W2 में से W1 घटा देंगे, और हाँ देखो W2 में से W1 घटा दिए और ये घटा दिए, तो हमें वाटर मिल गया। देखो W2 में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, पिक्नोमीटर दिख रहा है, सॉइल सॉलिड दिख रहे हैं, और वाटर दिख रहा है, ठीक है। और ये जो वाटर है इस सॉइल सैंपल का ये फेज डायग्राम है, और ये जो वाटर है इस सॉइल सैंपल में जो वाटर है उसी, वही वाटर है और उसी का वेट निकलेगा, ठीक है ना ये। और ये जो सॉइल सॉलिड है हमें इसका वेट चाहिए, तो हमें वाटर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पिक्नोमीटर से पिक्नोमीटर का वेट जो है कट गया, हमने W2 में से W1 घटा दिया, तो पिक्नोमीटर का वेट और पिक्नोमीटर का वेट खत्म हो गया। अब बचा जो है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, तो इसमें से हमने वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को जब घटा दिया तो क्या मिल गया, हमें वेट ऑफ वाटर मिल गया, ठीक है। तो ये जो है हमें वेट ऑफ वाटर मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है।
अब देखो हम उसे कैसे निकालते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ज्ञात करने के लिए यहां पे देखो ये W3 है और ये क्या है W4 है, ठीक है ना। तो देखो W3 में से WS घटा देते हैं, यहां पे बन गया सही से W3 में से WS घटा दिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो सॉइल सॉलिड है तो सॉइल सॉलिड ने जितना आयतन कवर कर रखा है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखते हैं। देखो आपने एक चीज तो पढ़ी होगी ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हमें मास निकालना रहेगा तो डेंसिटी में वॉल्यूम से गुणा करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, मास जो है पता हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसी तरीके से यूनिट वेट यहाँ पे रहता तो यहाँ पे वेट अपान में वॉल्यूम रहता, और अगर हमें वेट निकालना होता तो यूनिट वेट इंटू क्या करते यहाँ पे वॉल्यूम करते तो हमें वेट यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। अच्छा तो ये चीज जो है समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे जो है W3 में से ठीक है ना, W3 में से हमने WS जो है घटा दिया है, और ये जो इतना सॉइल सॉलिड ने जो आयतन घेर रखा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस सॉइल सॉलिड के आयतन को हम लोग VS कहते हैं, ठीक है। और इतने आयतन में अगर वाटर आ जाए, अगर इस हमने इस सॉइल सॉलिड को हटा करके और इसके इतने आयतन में हम अगर वाटर को भर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है W4 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। इतना चीज समझ में आया कि नहीं। देखो अगर ये सॉइल सॉलिड है इसको हम हटा दें और इसके जगह पे वाटर भर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो देखो हमने W3 में से WS का जो वेट था उसको घटा दिया, ठीक है। तो अब WS जो है यहां से खत्म हो गया। अब WS ने जो आयतन घेर रखा था तो WS का जो आयतन था वो था VS, ठीक है। और इस VS में हम गामा W से गुणा कर देंगे तो इतने आयतन में जो वाटर का वेट होगा वो हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हो गई ये सेम W4 के बराबर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां तक जो है समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा से दो बार देखना तो जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपना दिमाग यूज करना है, यहाँ पे दिमाग यूज करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो हमें वाटर कंटेंट मिल गया और यहाँ पे डब्ल्यू एस मिल गया। अब देखो ये जो सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम वी है, वी एस है, अब देखो उसे हम कैसे हटाते हैं, ठीक है। हमें जो है केवल पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है, ठीक है ना। तो देखो हमने आपको शुरू में भी बताया था गामा एस बराबर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में, सॉरी ये तो बताया भी था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले बता, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या था, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ये चीज आपको बताया था। और गामा एस बराबर क्या था, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो हम गामा एस को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो गामा एस को हटा देंगे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे मिटा के लिख रहा हूं, तो यहां पे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इतना चीज समझ में आ रहा है। तो अगर यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड लिखना चाहें तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जी इंटू गामा डब्ल्यू, ये चीज जो है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज जो है समझ में आ रही होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, W3 माइनस WS, ठीक है, प्लस अब ये वेट वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल सॉलिड है, ये जो आया है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर, इसी को यहां पे रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी
इंटू गामा डब्ल्यू इंटू क्या है गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू फोर। ठीक, अब देखो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट जाएगा। और देखो क्या करेंगे, डब्ल्यू थ्री को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है, और इस डब्ल्यू फोर को हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस डब्ल्यू फोर हो जाएगा इज इक्वल टू, इस माइनस डब्ल्यू एस को इधर लाएंगे तो ये प्लस डब्ल्यू एस हो जाएगा, और ये बचेगा क्या डब्ल्यू एस अपान में जी बचेगा और ये प्लस है, और इसे हम इधर लेकर आएंगे तो ये डब्ल्यू एस अपान में जी हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इतना चीज जो है समझ में आ रहा है। अब देखो डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर अपान सॉरी बराबर डब्ल्यू एस कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन अपान जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से डब्ल्यू एस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसे हम अगर इसका जोड़ घटाना जो भी करना है कर लेंगे तो जी माइनस वन अपान जी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा जी माइनस वन अपान जी, और ये यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा जी अपान जी माइनस वन, ठीक है, सही तो है ना। देखो जी माइनस वन अपान जी, तो अब ये अपान जी है तो ये इसमें गुणा हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो इतना चीज जो है निकल गया है, देखो मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा है, पता है। अब देखो मैं इसको जो है मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसे भी मिटा देते हैं। चलो तो हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना है तो हमें मिल गया है, ठीक है। तो अब वाटर कंटेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना है इतना है, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन और माइनस डब्ल्यू एस अपान में डब्ल्यू एस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपान डब्ल्यू एस और माइनस वन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपान, अब इस डब्ल्यू एस की जगह पे ये वाली वैल्यू को जो है रखते हैं तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा इंटू वो वाला जी अपान जी माइनस वन है तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, जी माइनस वन अपान जी हो जाएगा और ये माइनस वन ये वाला ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो ये जो है निकल गया वाटर कंटेंट, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो पिक्नोमीटर विधि से जो है वाटर कंटेंट जो है हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं, ये चीज जो है आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको जो है समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि मैं आपको सारे ही सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं, और जितने भी सारे एसएससी में या जितने भी सारे स्टेट जेई के एग्जाम होंगे उनमें जितने भी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए होंगे वो सारे के सारे जो है इसी में पढ़ाते हुए ही कवर हो जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट है जो पढ़ के जाना है वो चीज़ मैं आपको बताया करूँगा कि यही यही पढ़ना है आपको और यही यही तैयार करना है, बाकी सब चीज़ें फालतू हैं, ठीक है ना। तो चैनल के साथ जुड़ जाना, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए एकदम बिल्कुल नहीं है तो एक दो बार जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये था सॉइल सैंपल था, इसको जो है लिख लेना आप लोग, ये क्या है सॉइल सैंपल है। अभी हम लोग जब ग्रेविटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी हम लोग जब निकालेंगे
तो यहाँ पे केवल जो है सॉइल सॉलिड ही लेंगे, ओवन ड्राइंग सॉइल सॉलिड लेंगे, तो कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको जो है फेज डायग्राम की मदद से जो है बताया है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मैं ऐसे बनाता तो नहीं समझ में आता और मैं भी जो है समझा नहीं पाता आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। और ये जो सारा प्रोसेस है ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से गायब कर देगा, ये दोनों गायब कर देगा, केवल जो है इन दोनों का डिफरेंस दे देगा, वेट दे देगा, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, ये दोनों ऊपर से इनको घटा के डायरेक्ट दे देगा। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, ये जो सारी प्रोसेस थी उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो में पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी पिकनोमीटर की मदद से, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आप लोग लिख लेना, मैं आपको लिख देता हूं, ये W1 क्या है, वेट ऑफ पिकनोमीटर, PICNOMETER, ठीक है ना। W2 क्या है, अब यहाँ पे ऐसे ही लिख लेना, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस सॉइल सैंपल, ठीक है। W3 क्या है, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस सॉइल सैंपल प्लस वाटर, ठीक है। और W4 क्या है, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस वाटर, ठीक है। तो ये चीज जो है नोट कर लेना।